सो व्हाट्स अप गाइस, सीएस गेमिंग इज हियर। तो गाइस आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 5 अपकमिंग बैटल रॉयल गेम्स के बारे में, जो होंगे बिल्कुल पबजी के जैसे। तो गाइस अपकमिंग बैटल रॉयल गेम्स मतलब जो अभी लॉन्च नहीं हुए लेकिन जल्दी ही लॉन्च होने वाले होंगे। तो गाइस आज मैं आपको डिटेल दूंगा इन गेमों की, मतलब कि मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो गेम्स आएंगे इनका साइज कितना होगा और इन गेम्स का लॉजिक कॉन्सेप्ट कैसा आपको देखने को मिलेगा, इन गेम्स के ग्राफिक्स कैसे मिलेंगे आपको, मैं इन सब का आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा और आइडिया दूंगा। और गाइस इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो गेम्स हैं इनकी रिलीज डेट कब तक आएगी, मतलब ये गेम लॉन्च कब तक हो सकते हैं, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा इस वीडियो में इनकी मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, मतलब ये आपके लो एंड डिवाइस में वर्क करेंगे कि नहीं, और करेंगे तो आपके लिए कितना होना चाहिए, मतलब आपके डिवाइस में कितनी मिनिमम रैम होनी चाहिए इन गेम्स को रन करने के लिए, वो सारी मतलब मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा इस वीडियो में। और गाइस आज मैं जो आपको अपकमिंग गेम्स बताऊंगा, हो सकता है शायद कुछ गेम्स के बारे में आपने कभी सुना नहीं हो क्योंकि बिल्कुल ही नए गेम्स आएंगे इसलिए। तो गाइस ये वीडियो देखने के बाद मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि इन गेम्स में से आपको सबसे अच्छा गेम्स कौन सा लग रहा है और आप कितने एक्साइटेड हो इन गेम्स के लिए। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। तो गाइस जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि 6% से भी कम लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मतलब ओनली 5.9% लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और 54.1% लोगों ने तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है लेकिन वो लोग मेरी वीडियो देखते हैं। तो गाइस अगर आपने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस सब्सक्राइब कर लो, इट्स फ्री, जस्ट क्लिक ऑन द रेड बटन। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस जो फर्स्ट गेम है उसका नाम है वैक्स मोबाइल और इस गेम का जो साइज होगा वो होगा 1.1 GB से 1.5 GB के आसपास इनके डेवलपर्स के हिसाब से। तो गाइस ये जो गेम है इसमें आपको पबजी का पूरा लॉजिक और कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा और काफ़ी सारी आपको ऐसे फीचर्स देखने को मिलेंगे जो आपको पबजी में भी देखने को नहीं मिलते हैंगे, मतलब कि इसमें काफ़ी सारी आपको क्रिएटिविटी भी देखने को मिलेगी इंडियन स्टाइल की, क्योंकि गाइस ये जो गेम है ये एक इंडियन गेम रहेगा, इंडिया के डेवलपर्स इस गेम को बना रहेंगे तो आप सोच सकते हो कि काफ़ी अच्छा ये गेम होगा। और इस गेम को मेरे हिसाब से शायद मतलब पबजी को टक्कर देने के लिए ही बनाया जा रहा है, क्योंकि अभी जब फौजी गेम रिलीज़ हुआ था तो काफ़ी सारे लोगों ने कहा था कि इंडिया मैं गेमिंग का इतना नहीं है, मतलब इंडिया वालों को ज़्यादा अच्छे गेम बनाना नहीं आता, तो इसलिए शायद इस गेम को बनाया जा रहा है इससे कि पबजी को टक्कर दे सके। तो गाइस मेरे को तो लग रहा है कि काफ़ी मस्त ये गेम होगा क्योंकि इस गेम के गाइस मैं आपको थोड़ी बहुत और बताता हूँ डिटेल, मतलब मेरे पे काफ़ी सारी डिटेल है इस गेम की, मैं सोच रहा था एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा इस गेम पे अगर आप कमेंट करोगे तो, लेकिन अभी फिलहाल इस वीडियो में तो मैं आपको मेन इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ इस गेम की। तो गाइस इस गेम का मैंने अभी आपको साइज़ बता दिया कि 1.1 GB से 1.5 GB के आपको देखने को मिलेगा आसपास इस गेम का साइज़। और इस गेम में गाइस आपको एक मैप देखने को मिलेगा जो कि आपको मिक्स टाइप का मैप देखने को मिलेगा, मतलब कि गाइस आपको पबजी में, जैसा कि आपको पबजी का पता होगा कि आपको पबजी में इरेंगल, मेरामार, विकेंडी और सैनॉक जैसे मैप देखने को मिलते हैं जिसमें आपको अलग अलग टाइप के वेदर्स, मतलब वेदर्स नहीं इलाके भी कह सकते हो, एरिया देखने को मिलते हैं। जैसे कि आपको मेरामार में आपको देखने को मिलता है डेजर्ट वाला इलाका और जो विकेंडी वहाँ पे आपको बर्फीला टाइप का इलाका देखने को मिलता है और सैनॉक में थोड़ा घास फूस टाइप का, तो वो गाइज आपको जो इस गेम में एक ही मैप में देखने को मिलेगा। और इस गेम का जो मैप है वो रहेगा इंडिया के मैप के जैसा, सेम पूरा इंडिया के मैप पे इस गेम का मैप बनेगा और इस गेम का जो वेदर है और जो एरिया है वो इंडिया के हिसाब से चेंज होगा। जैसे कि आपको पता होगा कि कश्मीर में बर्फ़ गिरती है तो इसलिए कश्मीर का इलाका आपको विकेंडी जैसा देखने को मिलेगा, मतलब बर्फीला वाला इलाका बनाया गया है। और गाइस जो राजस्थान वाला इलाका है वहाँ पे आपको पता है कि रेगिस्तान है इसलिए उस इलाके को मेरामार टाइप का मैप जैसा बनाया गया, मतलब रेगिस्तानी इलाका बनाया गया। और जो नीचे केरला साइड का इलाका है उसमें थोड़ा घास फूस जैसा बनाया गया, सैनॉक जैसा। तो गाइस ऐसा बनाया गया है इस गेम के मैप को, तो गाइस काफ़ी आप देख सकते हो कि क्रिएटिविटी दिखाई गई है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और इस गेम में गाइस आपको 100 प्लेयर्स देखने को मिलेंगे और आपको जो मैं बता रहा हूँ जो इंडिया जैसा मैप रहेगा इसी पर आपको लैंड होना पड़ेगा 100 प्लेयर्स के साथ एक एरोप्लेन से कूद के, तो गाइस आप सोच सकते हो कि काफ़ी मज़ा आएगा। और पबजी जैसा बनाया गया है इस गेम को पूरा, तो ये जो गेम है गाइस ये आपके 2 GB रैम का अगर फ़ोन है तो उसमें भी आराम से वर्क करेगा, लेकिन अगर आपका 1 GB रैम का फ़ोन है तो उसमें ये गेम वर्क नहीं करेगा। और इनके डेवलपर्स के हिसाब से अगर आपके पास 3 GB रैम का फ़ोन है तो उसमें गाइस ये जो गेम है ये 40 से 50 कॉन्स्टेंट FPS पे आराम से वर्क करेगा, तो उस हिसाब से मेरे को लग रहा है कि शायद 2 GB रैम में भी ये गेम 30 FPS पे तो आराम से वर्क करेगा ही। और इस गेम में मैक्स FPS रहेंगे वो रहेंगे 60, तो काफ़ी अच्छी बात है, मतलब पबजी में भी आपको ये देखने को मिलता हैगा। तो गाइस अगर इस गेम की रिलीज डेट की बात करें तो ये जो गेम है इनके डेवलपर्स के हिसाब से इस गेम की जो रिलीज डेट है वो होगी 2023, मतलब कि अभी डेढ़ साल, आप मान लो कि डेढ़ साल बाद ये गेम आएगा, क्योंकि गाइस ये इस गेम का जो डेवलपमेंट है वो अभी अभी स्टार्ट हुआ है, कुछ 2 या 3 महीने पहले इस गेम का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ है फरवरी में,
तो इसलिए गाइज आप सोच सकते हो कि इस गेम को बनाने में टाइम तो लगेगा, इसलिए आप समझ सकते हो कि आपको एक साल से ज़्यादा इंतजार करना पड़ेगा और एक साल बाद इस गेम का बीटा वर्जन आ जाएगा और इसका जो मेन वर्जन है उसके लिए आपको एक साल से ज़्यादा इंतजार करना पड़ेगा। तो गाइज आप कमेंट करके बताना कि क्या आप इस गेम के लिए इंटरेस्टेड हो और नहीं हो। तो गाइज चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट गेम की तरफ। तो गाइज जो नेक्स्ट गेम है उसका नाम है SICO और इस गेम का जो साइज़ होगा वो होगा 1.5 GB। तो गाइज ये जो गेम है ये भी बिल्कुल आपको पबजी के जैसा देखने को मिलने वाला है क्योंकि इस गेम में भी आपको पबजी की तरह हर चीज़ देखने को मिलेगी। जैसे कि गाइज इस गेम में आपको एक बैटल रॉयल मोड मिलेगा और साथ ही साथ और भी मोड मिलेंगे, लेकिन गाइज जो बैटल रॉयल मोड रहेगा उसमें आपको 100 प्लेयर के साथ एक बड़े से आइलैंड पर लैंड होना पड़ेगा और लैंड होने के बाद गाइज आपको काफ़ी सारी गन्स देखने को मिलेंगी जैसे कि AR, स्नाइपर, पिस्टल्स, शॉट गन्स और SMGs और काफ़ी सारी और भी गन्स आपको देखने को मिलेंगी जैसे आपको पबजी में देखने को मिलती है। और काफ़ी अच्छा इस गेम का मैप को भी बनाया गया है। तो इस गेम का क्या जो बैटल रॉयल मैप है उसमें आपको कुछ तीन टाइप के मैप देखने को मिलेंगे और वो भी इंडिया के ही थोड़ा बहुत आपको उनमें चीज़ दिखेगी, मतलब इंडिया का कल्चर देखने को मिलेगा क्योंकि ये जो गेम है ये इंडिया के लोग ही बना रहेंगे तो इसलिए आपको इंडिया के इसमें काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। और इस गेम के जो ग्राफिक्स है वो आप देख ही सकते हो कि मतलब एकदम रियलिस्टिक टाइप के ग्राफिक्स बनाए गए, काफ़ी अच्छी डिटेलिंग करी गई है और मुझे तो गाइस काफ़ी अच्छा लग रहा है ये गेम। तो जब ये रिलीज़ होगा तो पक्के में ये गेम है काफ़ी मतलब अच्छा लगेगा सब लोगों को मेरे हिसाब से। तो गाइस इस गेम पे आपको अगर प्री रजिस्ट्रेशन करना है तो उसके लिए आपका जो डिवाइस है उसमें मिनिमम 3 GB रैम होना चाहिए और वो एंड्रॉयड 7 तो होने चाहिए तभी आप इस गेम पे प्री रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। लेकिन गाइस मेरा डिवाइस में भी ये सब था लेकिन मैं जब प्री रजिस्ट्रेशन के लिए गया तो मुझे अभी ये गेम मिला नहीं प्ले स्टोर पे, इनके मतलब जो प्री रजिस्ट्रेशन वाली साइट है उस पे गया था मैं, फिर भी मेरे को ये गेम नहीं मिला प्ले स्टोर पे। तो मेरे हिसाब से शायद अभी प्री रजिस्ट्रेशन में कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी, तो धीरे धीरे प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी और जैसे ही प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी तो मैं आपको लिंक दे दूंगा प्री रजिस्ट्रेशन की, जिधर पैसे जाके आप इस गेम का प्री रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और उसके बाद इस गेम को बढ़िया से डाउनलोड करके खेल सकते होगे। तो गाइस चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट गेम की तरफ। तो गाइस जो नेक्स्ट गेम है उसका नाम है पबजी न्यू स्टेट और इस गेम का जो साइज़ है उसके बारे में अभी बताया नहीं गया। तो गाइस ये जो गेम है ये तो अब क्या कहूँ मैं इस गेम का कि इसमें आपको पबजी का लॉजिक और कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा, मतलब गाइस ये जो गेम है ये तो खुद ही एक पबजी है तो इसका क्या कहूँ मैं। बस आप ऐसा कह सकते हो कि पबजी को ही गाइस थोड़ा और अपडेट कर दिया गया है और ग्राफिक्स को और मस्त कर दिया गया है। तो गाइस जैसा कि इस पर मैं वीडियो अपलोड मतलब मैंने इसका ट्रेलर नहीं दिखाया क्योंकि ट्रेलर दिखाने पर शायद मेरे पे स्ट्राइक आ सकता था इसलिए। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ स्क्रीनशॉट है मेरे पास जिस पे आप देख सकते हो कि इस गेम के गाइस जो ग्राफिक्स है उसको कितना मतलब मस्त कर दिया गया है, आपको काफ़ी और मस्त वाले ग्राफिक्स इस गेम के देखने को मिलने वाले होंगे जो कि आएगा पबजी न्यू स्टेट। तो गाइस इस गेम में आपको पबजी का एक न्यू फीचर देखने को मिलेगा, जैसे कि आपको पता होगा कि फ्री फायर में आप ग्लू वॉल लगा सकते हो तो वैसे ही गाइस यहाँ पे आप एक वॉल खड़ी कर सकते हो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो गाइस आप यहाँ पे एक वॉल को खड़ी कर सकते हो पूरी जिससे कि आपको एक कवर देखने को मिलता है, तो ये एक अच्छी बात है इस गेम में जो नया फीचर आपको देखने को मिलने वाला है वो। तो गाइस ये जो गेम है ये आपके लो एंड डिवाइस में वर्क नहीं करेगा और पहली बार ये जो गेम है ये इंडिया में अवेलेबल नहीं है, जैसा कि पबजी इंडिया में बैन है वैसे ये जो गेम है ये भी इंडिया में अभी रिलीज़ नहीं हो रहा है। तो इसलिए गाइस अगर आपको इस गेम को खेलना हो तो वही है, इस गेम को आप प्ले स्टोर से तो डाउनलोड कर नहीं सकते हो तो इसलिए गाइस आपको कहीं दूसरी जगह से डाउनलोड करना पड़ेगा। तो मैं अभी आपको लिंक देखता हूँ, अगर मेरे को लिंक मिल गई तो मैं इस वीडियो के नीचे आपको लिंक दे दूंगा प्री रजिस्ट्रेशन की, वहाँ से जाके आप प्री रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और VPN लगा के इस गेम को खेल सकते हो। तो गाइस फिलहाल अभी मेरे पे इतनी इन्फॉर्मेशन थी इस गेम की और इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं दूसरी वीडियो में आपको बता दूंगा। तो गाइस आई होप कि आपको ये वाला गेम अच्छा लगा। तो गाइस जो नेक्स्ट गेम है उसका नाम है वैलोरेंट मोबाइल और इस गेम का जो साइज़ होगा वो होगा 1 GB से 2 GB के बीच में। तो गाइस ये जो गेम है इसमें आपको काफ़ी कुछ पबजी के जैसा देखने को मिल सकता है। तो गाइस जो वैलोरेंट गेम है वो PC के लिए हैगा स्पेशली और Xbox और PS4 के लिए हैगा, लेकिन गाइस ये जो गेम है इसको अब मोबाइल पे भी लॉन्च किया जा रहा हैगा तो इसलिए गाइस काफ़ी मतलब लोग एक्साइटेड है इस गेम के लिए कि उनको PC वाला गेम अब वो मोबाइल पे भी खेल सकते हैं, मतलब अपने एंड्रॉयड डिवाइस और iOS पे भी खेल सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि इसको लॉन्च किया जा रहा है मोबाइल के लिए। तो इसका साइज़ मैंने अभी हाल आपको बताया और इस गेम का गाइस जो मेन मोड है वो रहता है कि इसमें आपको 5v5 फाइट करनी पड़ती है, मतलब जैसा कि गाइस आपको पबजी में 4v4 TDM फाइट करनी पड़ती है वैसा इसमें आपको 5v5 TDM जैसी फाइट करनी पड़ती है एरिना मोड में। तो गाइस काफ़ी मज़ा आता है और मेरे हिसाब से शायद इसमें जो PC वर्जन था उसमें आपको 5v5 एरिना फाइट करनी पड़ती थी, लेकिन जब ये मोबाइल के लिए आएगा तो शायद इसमें बैटल रॉयल मोड भी एक वो जोड़ देंगे जिससे कि आप 100 प्लेयर्स के साथ एक आइलैंड पर लैंड होकर पबजी की जैसे ही फाइट कर पाओगे तो इससे गाइस इस गेम में और मज़ा आएगा। तो मेरे हिसाब से पक्का नहीं पता मेरे को कि ऐसा कुछ होगा कि नहीं, लेकिन हाँ मेरे को लग रहा है कि अब मोबाइल पे ये गेम आएगा तो कुछ तो वो न्यू करेंगे, बिल्कुल अब पबजी मतलब बिल्कुल अब PC वाले गेम को उठा के मोबाइल पे तो रखेंगे नहीं, थोड़ा बहुत तो अपडेट करेंगे ना, तो हो सकता है शायद ऐसा कुछ कर दें वो। तो गाइस अगर आपको इस गेम को अपने डिवाइस में खेलना है तो उसके लिए आपके डिवाइस की रैम होनी चाहिए मिनिमम 2 GB
और आपका जो एंड्रॉयड वर्ज़न है वो होना चाहिए 4+। तो अगर आपका इससे कम है, अगर आपकी 1 GB रैम है, तो ये गेम आपके डिवाइस में वर्क नहीं करेगा। तो गाइस इस गेम का जो प्री रजिस्ट्रेशन डेट है और जो लॉन्च डेट है वो अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुई है, तो इसलिए मैं अभी कुछ बता नहीं सकता ज़्यादा कुछ इस गेम के बारे में। लेकिन गाइस जैसे ही इसकी मेरे को और कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैं उसके बारे में आपको अपडेट कर दूंगा। फिलहाल इस गेम की जितनी इन्फॉर्मेशन थी मैंने उतनी आपको दे दी है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट गेम की तरफ। तो गाइस जो नेक्स्ट गेम है वो है पबजी इंडिया बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया। तो गाइस इस गेम के बारे में मेरे को नहीं लगता कि मेरे को कुछ बताने की ज़रूरत है, क्योंकि आप सबको पहले से ही पता होगा, तो फिर भी थोड़ा बहुत बता देता हूँ अगर आपको नहीं पता हो तो। गाइस ये जो गेम है ये है बैटल ग्राउंड इंडिया, मतलब पबजी मोबाइल इंडिया, जिसके लिए सब लोग वेट कर रहे हैं अभी। और इस गेम का जो साइज़ है वो अभी पता नहीं हैगा, क्योंकि अभी बताया नहीं गया इस गेम का साइज़। लेकिन मैंने थोड़ा बहुत सर्च करा और मेरे रिसर्च के हिसाब से इस गेम का जो साइज़ है वो आपको देखने को मिलेगा 600 MB से 800 MB के आसपास। और गाइस फिर उसके बाद आपको कुछ एडिशनल रिसोर्स पैक भी डाउनलोड करने पड़ेंगे, जैसा कि आपको हमेशा पबजी में करते रहने पड़े हैं वैसे ही, जिससे कि आपको मस्त ग्राफिक्स और अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिलता है पबजी में। तो गाइस इस गेम में आपको कुछ न्यू मैप्स भी देखने को मिल सकते हैं जो अभी पबजी इंडिया आएगा, मतलब कि जो पबजी ग्लोबल में आपको देखने को थे, जो इरेंगल था, मिरामार था, सैनॉक था और विकेंडी था। तो उसमें गाइस जो इरेंगल मैप है ना ग्लोबल वर्जन का, वो तो आपको इसमें देखने को मिलेगा पूरा का पूरा वैसे ही देखने को मिलेगा। मतलब इरेंगल मैप तो पूरा का पूरा वापस आ रहा है पबजी इंडिया में भी, और हो सकता था थोड़े बहुत चेंज कर दे इरेंगल मैप में, लेकिन इरेंगल मैप तो आएगा ये तो कन्फर्म हैगा। लेकिन गाइस जो और दूसरे मैप है उनका जो वो मैप रहेगा उनका थोड़ा बहुत इलाका भी चेंज कर सकते हैं और नाम भी चेंज कर सकते हैंगे। और गाइस हो सकता था ये पबजी इंडिया आ रहा है तो आपको कुछ इंडिया के मतलब कुछ इंडिया से रिलेटेड आपको कुछ कल्चर देखने को मिल जाए इस गेम में, मतलब हो सकता था इंडिया के लिए कुछ स्पेशल चीज़ बना देंगे। तो गाइस हाँ, एक स्पेशल चीज़ आ रही है वो इंडिया वालों के लिए, वो ये है कि इसमें कुछ ऐसा सुनने में आया है कि पबजी इंडिया जो आएगा उसमें एक स्पेशल पॉलिसी रहेगी, वो ये रहेगी कि अगर आप 18 साल से छोटे हो तो आप 3 घंटे से ज़्यादा इस गेम को नहीं खेल सकते। लेकिन गाइस आपको पता ही होगा कि इंडिया में तो 18 साल से ही शुरुआत होती है सबकी, तो गाइस कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और वैसे भी जब तक ये गेम आएगा सब लोग 18+ हो ही जाएंगे किसी ना किसी तरीके से, तो समझ रहे हो। तो गाइस प्ले स्टोर के हिसाब से इस गेम की जो मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट्स रहेंगी वो ये रहेंगी कि आपका जो डिवाइस है उसमें मिनिमम 2 GB रैम तो होना चाहिए, और आपका जो एंड्रॉयड वर्जन है वो 5.1 से ज़्यादा या फिर 5.1 होना चाहिए। अगर इससे कम है आपका डिवाइस तो उसमें ये वर्क नहीं करेगा, मतलब 1 GB रैम में ये गेम वर्क नहीं करेगा। वैसे भी पबजी भी वर्क नहीं करता था, तो जो 1 GB रैम वाले उनको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे पबजी मोबाइल लाइट था वैसे ही हो सकता है शायद पबजी इंडिया लाइट भी आ जाएगा जल्दी ही। तो गाइज अगर आपको इस गेम का प्री रजिस्ट्रेशन करना हो तो मैंने आपको लिंक दे रखी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके आप इस गेम का प्री रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। वैसे भी गाइज 20 मिलियन से ज़्यादा तो प्री रजिस्ट्रेशन हो ही चुके हैं, तो मेरे हिसाब से जो वीडियो देख रहा है सब लोगों ने प्री रजिस्ट्रेशन कर ही दिए होंगे, लेकिन अगर कोई ने नहीं करे तो लिंक पे से जाके कर देना, ठीक है। तो गाइज ये थे कुछ टॉप 5 अपकमिंग बैटल रॉयल गेम्स जिनके बारे में मैंने आपको बताया, जो कि अभी रिलीज नहीं हुए लेकिन जल्दी रिलीज होने वाले हैं। तो गाइज मुझे कमेंट करके बताना कि इन सारे गेम में से आप किस गेम के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हो और वेट कर रहे हो। तो ये था आज की वीडियो में, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइस।